वेलकम टू माय चैनल वीएस ब्लॉगर। आप देख रहे हो अपने भाई बंटी को। तो कैसे आप सब? बढ़िया हैं, मस्त, ऐसे ही रहिए जिंदगी, है ना, खुश रहना चाहिए। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, बैकग्राउंड से पता चल गया होगा कि मैं ट्रेन में हूँ। तो फ्रेंड, मैं फाइनली केदारनाथ जाने के लिए ट्रेन में बैठा हूँ और हमारे साथ है प्रतीक भैया, उज्जैन के माफिया डॉन। तो फ्रेंड, हम दोनों और दो भैया और हैं जो कि वो उज्जैन से बैठेंगे और काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। तो फिर जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग से। तो फ्रेंड, फाइनली हमारी ट्रेन खुल चुकी है इंदौर से हरिद्वार के लिए। तो फ्रेंड, हरिद्वार से केदारनाथ बस से, तो वो तो आप देखो ब्लॉग में जुड़े रहो तो आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे क्या कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड, हम फाइनली पहुंच चुके हैं महाकाल के नगरी उज्जैन में, और उज्जैन में हमारे दो भैया और बैठेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप सुबह में, क्योंकि अब नींद भी आ रहा है मेरे को। तो मिलते हैं आप सब सुबह में। तो फ्रेंड, हम फाइनली हरिद्वार पहुंच गए, और क्या मतलब, यहाँ पहुँचते अंदर पूरी एनर्जी खतरनाक तरीके से बढ़ गई। क्या बात है, हर हर महादेव। हरिद्वार, फ्रेंड, हम फाइनली हरिद्वार आ गए हैं, और ये नज़ारा देखिए आप लोग, हमारे भैया, बड़े भैया। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है, और यहाँ हमारे शिव भोले बाबा, जय हो बाबा भोलेनाथ। तो फ्रेंड, हरिद्वार आते ही सबसे पहले हम लोग गन्ने के जूस पीने वाले हैं। फ्रेंड, फाइनली हमारे गन्ने का जूस आ गया, और हम जिससे हम लग जाएगी जूस पीकर हम रूम के तलाश में निकल चुके हैं हरिद्वार के गलियों में। तो हमें फ्रेंड फाइनली रूम मिल गया है, और हम चलते हैं अब रूम में, और हमारे प्रतीक भैया आगे। फ्रेंड, हम फाइनली अपने रूम में आ गए हैं, और हमारे भैया थक गए पूरे, और भैया जी है ना, तो हम आपको अभी रूम दिखा देते हैं अपना अच्छा से। और ये हमारा ये स्विच रहा, और भैया रहे, और यहाँ एसी और फैन, और मैं आपको स्वर्ग दिखा दूँ आपको, और ये रहा हमारा स्वर्ग, जो कि देखो आप ऐसा है अपना रूम। और चलते नहाने, फिर चलेंगे अपन हरिद्वार। हाँ, तो फ्रेंड फाइनली हम फ्रेश हो चुके हैं, अब कहाँ जा रहे भैया? अपन स्नान करने जा रहे हैं भाई, हर की पौड़ी पर, घाट पे, सारे जीवन के पाप, बहुत पाप किया ना भैया, हमने तो धोना पड़ेगा। तो मिलते आपसे घाट पे जाके। तो फ्रेंड, हम और प्रतीक जो फाइनली पानी में उतर गए हैं, यानी गंगा स्नान करने के लिए, और पहला डुबकी लगाओ रे बंटिया, लगाओ। ठंड पानी थी, बहुत ज़्यादा ठंडी पानी थी गाइस, फिर भी भगवान के नाम लिए और नाक पकड़े और एक बार डुबकी लगा दी, ये ले डुबकी, फिर एक डुबकी लगा, ले डुबकी, फिर ले, जय हो गंगा मैया, जय हो। अब फ्रेंड, हमारे दोनों भैया डुबकी लगाने आ गए, और भैया डुबकी लगा लिए समझ लिए, और विवेक सोच रहे हैं कि नहाऊं कि नहीं, नहाऊं डुबकी लगाऊं कि नहीं,
और फाइनली विवेक भैया के ऊपर पानी डाला गया और फिर विवेक भैया सोच समझ के पकड़े और डुबकी लगा ली। जय गंगा मैया। और समीर भैया तो डुबकी पे डुबकी लगाए जा रहे हैं, क्या बात है। जय गंगा मैया, हर हर गंगे। तो फ्रेंड हमारा स्नान हो चुका है, कंप्लीट हो गया है, काफी मतलब आनंद आया। हाँ बहुत आनंद आया। तो अब हम मेन काम जो केदारनाथ जाने वाले हैं, तो वहाँ 250 किलोमीटर दूर है, तो उसके लिए गाड़ी लगेगी। गाड़ी लगेगी ना, तो उसके लिए गाड़ी के बुकिंग के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलते हैं वहाँ, गाड़ी के बुकिंग का बात करना है। तो फ्रेंड फाइनली हमारे केदारनाथ जाने के लिए गाड़ी की बुकिंग हो गई है। गाड़ी की बुकिंग करने के बाद भैया के चेहरे पे स्माइल और भैया फ़ोन से बात कर रहे हैं, क्या बात है। हमारे प्रतीक भैया सोच में है, क्या पता क्या हुआ इनको। तो फिर चलते हैं रूम पे ना। तो फ्रेंड फाइनली हमारा खाना आ गया है और हम खाने पे टूट पड़े, तो हम चारों है ना। तो फिर मिलते हैं खाना खाकर।